नमस्कार, वीकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वादे से पीछे हटने के चलते सरकार में मंत्रियों की एंट्री नहीं हो पा रही है, तो भाजपा ने उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार को भी घेरने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत उनकी बेटी सुप्रिया सुले की लोकसभा सीट से हो रही है। वहीं जलगांव में राकांपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शिंदे समूह में शामिल हो गए। ये एनसीपी के कद्दावर विधायक एकनाथ खड़से के लिए बड़ा झटका है। तो उधर शिवसेना सांसद संजय राउत को सोमवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायालय ने उनकी हिरासत को 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इसी बीच शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET घोटाले में पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार की बेटियों के भी नाम सामने आ रही है, जिसे लेकर ठाकरे गुट हमलावर हो गया है। प्रदेश की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वादे से पीछे हटने के चलते सरकार में मंत्रियों की एंट्री नहीं हो पा रही है। खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मामला सुलझ जाने तक विस्तार करने के मूड में नहीं है। हाल ही में वह करीब 7 बार दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने के लिए जब भाजपा ने शिंदे के साथ हाथ मिलाया था, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 2 वादे किए थे। एक कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उनके खेमे को नई सरकार में 2/3 मंत्री पद दिए जाएंगे। इसलिए अधिकांश शिवसैनिक विधायकों को नई सरकार में कैबिनेट मंत्री या जूनियर मंत्री बनाने का वादा किया गया। भाजपा ने शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर अपना पहला वादा तो पूरा किया, लेकिन उनके वफादारों को 2/3 मंत्री पद देने पर पीछे खींच लिए, इसलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। शिंदे का कहना है कि राज्य में कैबिनेट विस्तार जल्द ही किया जाएगा। खबर है कि पहले शपथ ग्रहण दोनों पक्षों के करीब 15 विधायक शपथ लेंगे। वही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह विभाग दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आखिरी समय में योजना बनाने से शिंदे भाजपा नेतृत्व से खुश नहीं है, लेकिन उनके पास विकल्प सीमित है और इसे लेकर वह खुलकर बात भी नहीं कर सकते हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनने वाली भाजपा ने उद्धव ठाकरे के बाद अब शरद पवार को भी घेरने की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत उनकी बेटी सुप्रिया सुले की लोकसभा सीट से हो रही है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। 16 सीटों को चुना है जिन पर विपक्ष अक्सर जीतता रहा है। इनमें से ही एक सीट बारामती की है, जहाँ से सुप्रिया सुले सांसद है। भाजपा ने NCP को इस गढ़ में घेरने के लिए मिशन बारामती तैयार किया है। के लिए निर्मला सीतारामन को जिम्मेदारी दी गई है कि वे बारामती में भाजपा की जमीन मजबूत करें। पुणे जिले में आने वाली बारामती सीट पवार फैमिली के लिए एकदम सेफ मानी जाती है। ऐसे में भाजपा की तैयारियां शरद पवार की टेंशन बढ़ाने वाली है। निर्मला सीतारामन 16 से 18 अगस्त के दौरान बारामती का दौरा करने वाली है। इस दौरान वह भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेगी और पार्टी की ताकत का जायजा लेगी। 1999 में NCP के गठन के बाद से ही इस सीट से शरद पवार की फैमिली जीतती रही है। कुछ शरद पवार भी यहाँ से सांसद रहे हैं। ऐसे में साफ है कि भाजपा का प्लान उन्हें किस हद तक दर्द दे सकता है। बता दें कि भाजपा ने महाराष्ट्र में 16 ऐसी सीटों को चुना है जहां विपक्ष जीतता रहा है। इन सीटों पर भाजपा अपने संगठन को मजबूत करके 2024 में विपक्ष को चौंकाना चाहती है। जलगांव में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शिंदे समूह में शामिल हो गए। यह NCP के कद्दावर विधायक एकनाथ खड़से के लिए बड़ा झटका है। मुक्ताई नगर के विधायक चंद्रकांत पाटिल ने शिंदे पर भरोसा किया है और उनके गुट में प्रवेश किया है। मुक्ताई नगर को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। चंद्रकांत पाटिल और खड़से परिवार के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद अपने चरम पर पहुंच गया है। अब चंद्रकांत पाटिल के शिंदे गुट में शामिल होने के बाद खड़से के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। इस बीच महज 2 दिन पहले शिंदे समूह और भाजपा गठबंधन सरकार ने एकनाथ खड़से को बड़ा झटका दिया है। खड़से की पत्नी की अध्यक्षता वाली जिला दुग्ध सहकारी समिति के पिछले दिनों हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच के लिए सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है। वे मौजूदा संचालक मंडल को बर्खास्त कर जिला दुग्ध संघ में प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। जिला दुग्ध संघ के पूर्व मंत्री एवं पूर्व सुरक्षा अधिकारी नागराज पाटिल ने जिला दुग्ध संघ के प्रशासन में अनियमितता और इस दुग्ध संघ के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में भारी कदाचार की शिकायत सरकार से की थी। शिकायतकर्ता नागराज पाटिल ने कहा कि पूर्व की महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नई सरकार ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए इस मामले में 5 सदस्यीय जांच समिति नियुक्त की है। जलगांव जिले में एकनाथ खड़से का एकमात्र जिला दुग्ध संघ था।
शिवसेना सांसद संजय राउत को सोमवार को भी कोर्ट से राहत मिली। न्यायालय ने उनकी हिरासत को 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। खास बात है कि पात्राचौल मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रहे राउत को बीते रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने तीसरी बार उन्हें हिरासत में भेजा है। गुरुवार को कोर्ट ने राउत की हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी पाया था कि एजेंसी ने जांच में खासी प्रगति की है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत की जांच कर रही है। शनिवार को उनकी पत्नी वर्षा भी पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने पेश हुई थी। ईडी ने शनिवार को करीब 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की थी। ईडी ने बताया कि जांच के दौरान मिले दस्तावेज देखते हैं कि राउत की तरफ से अलीबाग में खरीदी गई संपत्तियों में नकदी का बड़ा लेन देन भी शामिल था। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि राउत की पत्नी के बैंक खाते में 1.8 करोड़ रुपये मिले हैं। बीते रविवार को राउत को गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान जांच एजेंसी ने दावा किया था कि शिवसेना सांसद के आवास से 10 लाख रुपए से ज्यादा बरामद हुए थे। हालांकि उनके भाई का कहना है कि पैसा पार्टी का था। राउत ने भी पहले दावा किया था कि पार्टी के सांसदों को ईडी की धमकी के चलते ही शिंदे की बगावत सफल हुई थी। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे खेमे के बीच लड़ाई में एक नया मोर्चा खुल गया है। दरअसल शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी घोटाले में पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार की बेटियों के नाम भी जुड़े हैं, जिसे लेकर ठाकरे गुट हमलावर हो गया है। शिवसेना ने सत्तार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री सत्तार औरंगाबाद के सिल्लोड से विधायक है। औरंगाबाद के कई शैक्षणिक स्थानों पर उनका नियंत्रण बताया जाता है। सत्तार की बेटियां हीना कौसार, अब्दुल सत्तार शेख, उजमा नाहिब अब्दुल सत्तार शेख के नाम उन उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल है जिन्होंने संदिग्ध तरीकों से और हेराफेरी करके टीईटी पास किया है। उनके सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए हैं। शिवसेना विधायक और नेता अंबादास दानवे ने कहा कि शिवसेना की मांग है कि मामले की राज्य सरकार की ओर से जांच की जाए और कार्रवाई भी हो। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये परीक्षाएं तब आयोजित की गई जब अब्दुल सत्तार मंत्री पद पर थे। वही सत्तार ने इस मामले को उन्हें बदनाम करने का एक प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत है, मेरी बेटियां परीक्षा में शामिल लेकिन पास नहीं हुई। मेरे पास इसे साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट है। पुणे पुलिस टीईटी 2019-20 के लिए हुई परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया में हेराफेरी के आरोपों की जांच कर रही है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को उच्च सदन में विदाई दी गई। फेयरवेल स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो उठे तो कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समन किए जाने की आलोचना की है। वहीं यूपी में बीजेपी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के पूरा होने पर अपने हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 लाख मुस्लिम घरों, मदरसों और दरगाहों पर तिरंगा फहराने की योजना बनाई है। इसी बीच 2 दिन पूर्णिमा तिथि होने से लोगों के बीच असमंजस है कि आखिर किस दिन राखी का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा और रक्षा सूत्र बांधने का उत्तम मुहूर्त क्या है। तो उधर बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। अगले 2 दिन यानी 8 और 9 अगस्त में राज्य में 4 महत्वपूर्ण दलों के विधायक दल की बैठकें होंगी। इनमें राजद, जयदू, कांग्रेस और हम जैसी प्रमुख पार्टियां शामिल है। देश भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को उच्च सदन में विदाई की गई। फेयरवेल स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम यहाँ राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद है। इस सभा के कई ऐतिहासिक क्षण आपकी गरिमामयी उपस्थिति से जुड़े हैं। आपके वन लाइनर्स विट लाइनर्स है, वे विन लाइनर भी है। इसका मतलब है कि उन लाइनों के बाद और कुछ और कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका हर एक शब्द सुना जाता है और पसंद भी किया जाता है। सदन में कभी भी उनका काउंटर नहीं होता है। मोदी ने उपराष्ट्रपति नायडू को युवाओं और सांसदों के लिए प्रेरणा स्रोत करार दिया है और कहा कि लोग समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। राज्यसभा के सभापति नायडू देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया। साथ ही सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया और उन्हें प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में यह भी कहा गया, इस बार हम एक ऐसा 15 अगस्त मना रहे हैं जब देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सबके सब लोग आजाद भारत में पैदा हुए हैं और सबके सब साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। मैं समझता हूँ कि इसका एक महत्व है।
कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को समन किए जाने की आलोचना की है। पार्टी ने इसे संसद और सांसदों का घोर अपमान बताया और कहा कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा फिर न हो। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष को प्रवर्तन निदेशालय में ईमेल के माध्यम से समन भेजा था कि वह नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में यंग इंडियन के दफ्तर में मौजूद रहे। इस पर खड़गे ने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है और नेता प्रतिपक्ष होने के चलते उनके पहले से कार्यक्रम तय है, ऐसे में उनका एक अधिकृत प्रतिनिधि मौजूद रहेगा। पर ईडी ने खड़गे के आग्रह को नहीं माना और उनके मौजूद रहने पर जोर दिया। खड़गे ने सदन को इसकी जानकारी दी और कहा कि वह कानून का पालन करने वाले नागरिक है, संसद सत्र के दौरान उन्हें समन किया जाना उचित नहीं है। अब समय आ गया है कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी इस पर चर्चा करें और यह सुनिश्चित करें कि संसद और सांसदों का इस तरह का घोर अपमान फिर से न हो। मालूम हो कि ईडी ने खड़गे के खिलाफ समन जारी किया था क्योंकि जांच एजेंसी चाहती थी कि यंग इंडियन के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान कंपनी के प्रमुख अधिकारी के तौर पर खड़गे मौजूद रहे। यूपी में बीजेपी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को पूरा होने पर अपने हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 लाख मुस्लिम घरों, मदरसों और दरगाहों पर तिरंगा लहराने की योजना बनाई है। इस अभियान की शुरुआत 12 अगस्त से हो जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बसित अली ने कहा कि हम कम से कम 5 लाख मुस्लिम घरों पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य बना रहे हैं। पार्टी काडर मदरसों और दरगाहों पर तिरंगा लहराएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए तस्वीर क्लिक कराएगा। अली ने कहा कि इससे पहले 2017 में सत्ता में आने के तुरंत बाद भाजपा के मदरसों ने स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्रगान का पाठ और झंडा लहराना अनिवार्य कर दिया था। दरअसल बीजेपी पसमानदा के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ने पर जोर दे रही है। ऐसा माना जाता है कि पार्टी ने लगभग 50 मुस्लिम बहुल बूथों की पहचान की है, जहां वह केंद्र द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे जागरूकता अभियान चलाने की योजना बना रही है। भाजपा सूत्रों ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य अपने महत्वाकांक्षी हर घर तिरंगा अभियान को अंजाम देने में धार्मिक रेखाओं में कटौती करना है, जो 4 करोड़ से अधिक घरों और सरकारी कार्यालय को कवर करना चाहता है। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा को तिरंगे पर राजनीति करने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। यह त्यौहार हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 2 दिन यानी 11 व 12 अगस्त को त्यौहार मनाया जाएगा। 2 दिन पूर्णिमा तिथि होने से लोगों के बीच असमंजस है कि आखिर किस दिन राखी का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा और रक्षा सूत्र बांधने का उत्तम मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:48 पर प्रारंभ होगी, जो कि 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। ऐसे में लोग दुविधा में है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा या फिर 12 अगस्त को। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 11 अगस्त को भद्रा काल की साया होने के कारण कुछ लोग रक्षाबंधन का पर्व 12 अगस्त को मनाएंगे। 11 अगस्त को भद्रकाल सुबह से रात 8:51 तक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद किसी भी शुभ कार्य की मनाई होती है, इसलिए बहने भाई को ही नहीं भद्रकाल में राखी बांध सकती है और न ही रात में। इसलिए कुछ पंडित 12 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाना शुभ मान रहे हैं। अगर आप रक्षाबंधन 12 अगस्त को मना रहे हैं तो सुबह 7:05 से पहले राखी भाई की कलाई पर बांधें। बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। अगले 2 दिन यानी 8 और 9 अगस्त में राज्य में 4 महत्वपूर्ण दलों के विधायक दल की बैठकें होगी। इसमें राजद, जदयू, कांग्रेस और हम जैसी प्रमुख पार्टियां शामिल है। आज राजद ने अपने विधायक व विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है। राजद ने अपने विधायकों को 12 अगस्त तक पटना नहीं छोड़ने को भी कह दिया है। कांग्रेस ने भी अपने विधानमंडल दल की बैठक शाम में बुलाई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंगलवार को जदयू के सभी सदस्यों, विधायकों व विधान पार्षदों की अहम बैठक गई है। इसके अलावा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हमने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि राजद बिहार में सबसे बड़ी है और हम राज्य में अस्थिरता को नहीं आने देंगे। बिहार तय करेगा कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। वहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू
बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म कर सकती है। वैसे कई मौके पर जेडीयू और बीजेपी के बीच तनातनी देखी गई है। नीतीश कुमार भी कई मौकों पर बीजेपी का नाम लिए बगैर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। राजद के कई नेताओं की ओर से तो यह भी बयान आ चुका है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़कर वापस आरजेडी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने इन बयानों को एक सिरे से खारिज कर दिया था। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीसी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू की ओर से आरसीपी सिंह एक नोटिस जारी की गई है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में सैन्य तानाशाह के आदेश को मानने से इनकार करने वाली दो मॉडल्स को 15 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान के हिंदू डॉक्टरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने पहली बार बिटकॉइन के जरिए आतंकवाद को फंडिंग करने की पाकिस्तानी चाल का पता लगाया है। इस बीच बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत में करीब 52% की बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में भयानक प्रदर्शन चल रहे हैं। तो उधर भारत अमेरिका के साथ विवादित सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा है। ये सैन्य अभ्यास अक्टूबर के मध्य में उत्तराखंड के औली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया जाएगा। दुनिया भर के इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में दो मॉडल्स को 15 सालों के लिए जेल भेज दिया गया है। गलती ये थी कि उन्होंने सैन्य तानाशाह के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद इन दोनों मॉडल्स को देश की संस्कृति और गरिमा को नुकसान पहुंचने का गुनाहगार ठहराकर 15 साल की जेल की सजा सुनाई दी। दोनों मॉडल्स एक प्रसिद्ध एडल्ट वेबसाइट पर भी अपनी तस्वीरें शेयर करती है ताकि पैसे कमाया जाए। बता दें कि साल 2021 में म्यांमार की सेना, जिसे गुंटो कहा जाता है, उसने देश की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था और फिर अन्य शासन को देश पर थोप दिया था। म्यांमार के सैन्य तानाशाह अपनी मर्जी से काफी खतरनाक शासन चला रहे हैं और कई नेताओं को फांसी पर चढ़ा चुके हैं। म्यांमार की सबसे प्रसिद्ध और नोबेल पुरस्कार विजेता नेता आंग सान सू की को भी जेल की सजा सुनाई गई है और अब संस्कृति के नाम पर मनोरंजन जगत को निशाने पर लिया जा रहा है। दोनों मॉडल्स को 15 साल की सजा सुनाने के बाद म्यांमार की सेना की तरफ से दावा किया गया है कि इन मॉडल्स ने, जिनका नाम मेव सेन और विट कैव है, उन्हें पेड अश्लील तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं जो म्यांमार की संस्कृति और गरिमा को नुकसान पहुंचाता है। उन्हें एडल्ट वेबसाइट के लिए कंटेंट तैयार किए हैं और उन्होंने सेना प्रमुख के आदेश को मानने से इनकार किया है, जिससे देश की परंपरा और प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि हिंदू डॉक्टरों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस फैसले के तहत पाकिस्तान के उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यक हिंदू भारत में चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे सकेंगे। ऐसे पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर जो 31 दिसंबर 2014 के बाद अपना वतन छोड़कर यहां आ गए और प्रैक्टिस कर रहे हैं, वे यहां चिकित्सक के रूप में सेवाएं दे पाएंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ऐसे लोगों से आवेदन मांगे हैं जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा या एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी स्थायी रजिस्ट्रेशन अनुदान के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त की है। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को आयोग का इसके द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। आवेदक के पास एक वैध चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए और भारत में प्रवास से पहले पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया होना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। आवेदकों को एनएमसी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। आयोग द्वारा ऑफलाइन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक भारत के आधुनिक चिकित्सा या एलोपैथी की प्रैक्टिस करने के लिए स्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने पहली बार बिटकॉइन के जरिए आतंकवाद को फंडिंग करने की पाकिस्तानी चाल का पता लगाया है। जांच एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तानी मास्टरमाइंड बड़े पैमाने पर हिंसा को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर में अपने एजेंटों के जरिए बिटकॉइन के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के मेंढर, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा जिलों में 2 महिलाओं सहित 7 लोगों के घरों पर छापेमारी की। छापों के दौरान डिजिटल उपकरणों, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक जिन घरों पर छापेमारी की गई उनमें कुपवाड़ा की जाहिदा बानो, गुलाम मुस्ताबा दीदात और तमजीदा बेगम,
बारामूला के यासिर मीर, मोहम्मद सैयद मसूदी, पूंछ के फारूक अहमद और इरमान चौधरी है। दरअसल भारत में आतंकियों के अर्थतंत्र के सभी रास्ते बंद होने के बाद पाकिस्तान अब नए हथकंडे अपना रहा है। फंड भेजने वाले पाकिस्तान मास्टरमाइंड की पहचान कर ली है, उसकी पहचान गोपनीय रखी गई है ताकि ग्राउंड नेटवर्क ध्वस्त किया जा सके। जांच बताती है कि पाकिस्तान या अन्य देशों में क्रिप्टो खातों में बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैंडलरों को ट्रांसफर की जाती है। हैंडलर अपने बैंक खाते से क्रिप्टो कैश करते हैं, ऐसा पैसा आतंकियों को दे देते हैं। एजेंसी आतंक के इस गठजोड़ को खत्म करना चाहती है और इसके लिए गहन जांच जारी है। बांग्लादेश की हालत बुरी तरह से खराब हो गई है। पेट्रोल की कीमत में करीब 52% की बढ़ोतरी के बाद कई शहरों में भयानक प्रदर्शन चल रहे हैं। 1971 में मिली आज़ादी के बाद से यह पहला मौका है जब सरकार ने एक बार में ईंधन की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा किया है। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पूरे दक्षिण एशियाई देश में पेट्रोल पंपों को घेर लिया है और ईंधन की कीमत के अभूतपूर्व वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं शेख हसीना सरकार ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए रूस यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमक ने वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में उछाल देखा गया है और पेट्रोल की कीमत में अचानक कमी आने की वजह से आर्थिक मंदी की आशंका भी बढ़ गई है। वहीं बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बुरी तरह से गिर रहा है और देश में आर्थिक संकट के जाने का खतरा भी मंडरा रहा है, जिससे बचने के लिए सरकार ने ईंधन की कीमतों में वृद्धि कर देश की अर्थव्यवस्था से सब्सिडी बोझ को कम कर दिया है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से हालात सुधरेंगे, हालांकि इससे महंगाई पर और दबाव पड़ेगा जो पहले से ही 7% से ऊपर चल रही है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। बांग्लादेश की 416 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों ने इसके आयात बिल को बढ़ा दिया, जिससे सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित वैश्विक एजेंसियों से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारत अमेरिका के साथ विवादित सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहा है। यह सैन्य अभ्यास अक्टूबर के मध्य में उत्तराखंड के ओली में 10,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया जाएगा। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। ओली चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगभग 95 किलोमीटर दूर है, जो एक दुर्गम भूमि वाला इलाका है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश का यह सैन्य अभ्यास एक वार्षिक संयुक्त अभ्यास के 18वें संकरण के हिस्से के रूप में होगा, जिसे युद्धाभ्यास के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण हो चुके हैं। इस युद्ध में कम से कम 20 भारतीय और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। हाल ही में चीन द्वारा सीमा पर स्थित पैंगोंग त्सो झील पर एक पुल का निर्माण करने से दोनों देश के बीच तनाव और बढ़ गया है। भारत सरकार ने भी इस अवैध कब्जे पर पुल बनाने की निंदा की है। इस साल भारत की यात्रा के दौरान अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडिंग जनरल लॉर्स फिन ने विवादित सीमा के पास चीन के सैन्य जमवाड़े को खतरनाक बताया था। इस संयुक्त अभ्यास के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के साथ साझेदारी एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए हमारे साझा दृष्टिकोण के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। तो बीकेबी न्यूज़ के आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।